क्या करना है नहीं करना है तो विजन के इच्छा के प्रति जरूर होती है, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। उसी तरह से हमारे जो संचालन महोदय थे उन्होंने बड़ा अच्छे शब्दों में कहा, जब मैं नगर विकास मंत्री यहाँ था रोहित जी, तो रोहित जी बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे थे। उस समय में सच्चाई बात है, हम 9-9 बजे रात के संडे के भी कार्यालय में काम करते थे। मेरा एक इच्छा शक्ति यही था कि लोग बिहार के नाम बदनाम करते हैं, बिहार में क्यों नहीं, जब सब जगह मेट्रो है तो बिहार में क्यों नहीं मेट्रो हो। हम लोगों ने स्पेशल बैठक की महानगर के 21 के बाद, उसके बाद प्रस्ताव करके वोटिंग करके यहाँ पूरा जो जितने, जैसे मान लीजिए NCR है दिल्ली में, तो उसी तरह से NCR बीटा तक के हम लोग जोड़ के बनाए थे और जोड़ करके मतदान करा के 21 के बाद पहला बार नक्शा बनवाए हम लोग। उसके बाद मेट्रो के लिए हम जैसे जिस तरह से एक साधारण आदेश पाल काम करता है, तब जाके मंत्री से टाइम लेते थे, 8 बजे सवेरे मंत्री से मिलते थे, फिर प्रधान सचिव से, सेक्रेटरी से मिलते थे भारत सरकार, उसके बाद यहाँ तक कि कार्यालय में जो असिस्टेंट सहायक थे उसके यहाँ भी हम अपने चले आते थे। तो लोग खड़ा हो जाता था कि सर कम से कम सर आप अपने PS को भेज दिए, हमें PS हम नहीं रखते, हम अपने सब चीज़ हैं, हम अपने करना चाहते हैं। इतना प्रभावित होता था लोग, सब का मेट्रो का चलता था। फिर हम लोग DM के यहाँ जितने कमिश्नर के सबको बैठक किए, उसमें कहता था ये नहीं होगा, मेट्रो नहीं हो सकता है, तो हम कहे सुन लिए। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ बिहार में या देश में कितने रोड थे, कितने पुल पुलिया थे, तो जहाँ मानव रहता है, जहाँ मनुष्य रहता है, वहाँ चूँकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में वहाँ उसकी सुविधा पहुँचाना हमारा सरकार का फर्ज है। इसीलिए मान लीजिए हमारा शहर प्लान वे में नहीं बसा है, लेकिन हम अभी भी उसमें क्यों नहीं कर सकते हैं, साइंस इतना डेवलप कर गया है। उसके बाद सबको बैठ करके सबको स्वीकृति भी दिया जाए, हो सकता है। उसके बाद सारा का सारा नक्शा बना, सब चीज़ बना, बहुत मेहनत करके, देखिए भगवान के कृपा से और मेहनत का फल आ जाया। उसके बाद जो रिवर फ्रंट वाला रोड बना, ये सब का एक देखिए अभी भी लगता है जो हम लोग बम्बई पहुंच गए। तो इच्छा शक्ति विजन रहना चाहिए। बिहार में जो बदलाव हुआ और बिहार का जो आज नाम प्रतिष्ठा सम्मान भरा है, साधारण बात नहीं है। बोलने के लिए तो हम लोग कुछ बोले, चूँकि इंसान की नैतिकता की स्थिति जो अभी है, अभी तो लोग बोलने के लिए हर चीज़ बोलते हैं लेकिन जमीन के पटल पर नहीं रखते। स्वार्थ इतना हावी हो गया है अपने कर्तव्य पर, जो अब बड़ा मुश्किल होता है जो स्थिति आई हुई है। इसीलिए जो ही लोग अच्छे लोग हैं उसी पर चल रहा है बिहार। तो उसी तरह से मैं सबके जितने भी छात्र छात्रा हैं, मैं उनसे अपील करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए और सेवा के भावना साथ साथ अपने कर्म के अनुकूल अपने सेवा भावना भी जरूर रखिए। जो अपने अगल बगल में किस तरह से उनको सहायता करें, किस तरह से हमारे रास्ते पर चले आगे बढ़े, यही जब तक समाज में यह हो जाएगा तब मैं समझता हूँ यही बिहार दिवस की मानता है वैल्यू है। और इतना दिन से तो कोई नहीं समझता था लोग बिहार दिवस क्या होता है, लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने आए तो पूरे बिहार में हर जिला में बिहार दिवस मनाया जा रहा है और सब जगह बड़ा धूमधाम से। हमारा गौरवशाली बिहार है, इसलिए हम अपने अतिथि के, हमारा जो पूर्वज क्या थे, हम बिहार में जब थे, बिहार उड़ीसा बंगाल जब था एक साथ, उस समय में क्या थे, उस समय की जनसंख्या क्या थी, अभी क्या जनसंख्या है, उसके अनुकूल हम कितना डेवलप किए हैं। जिस समय में हम लोग याद है कि 67 में हम लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटा थे, तो उस समय में तो अनाज की कमी हो गई थी, जो बाहर विदेश से आता था अनाज लोग खाता था। देखिए हम लोगों के पास इतनी अनाज है, जो आज कोर्ट आदेश दिया जो नहीं गरीबों के बीच में 5-5 किलो अनाज फ्री में बांटो, उसके अनुकूल बट रहा है। ये नहीं है जो सरकार अपने मन से दे रही है, जो न्यायपालिका है आदेश दिया उसके अनुकूल बट रही है, जो कि अनाज सड़ रहा है। तो एक ऐसा कंट्री कहीं कहीं है जहाँ अनाज नहीं मिल रहा है, इसी तरह से डेवलप करता है। इसीलिए मैं सबको इसे आग्रह करूंगा, जो जिस तरह से संस्थान की प्रतिष्ठा सम्मान है, मेरा शुभकामना है इसी तरह से आदरणीय समीर बाबू के नेतृत्व में, अजय बाबू के नेतृत्व में, नायक साहब के नेतृत्व में, यहाँ के जितने पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में इसी तरह से संस्थान के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ते रहे। हमको जब बुलाइएगा, हमारे लिए कोई भी सेवा होगा आदेश दीजिएगा, हम करने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। हमारे संस्थान के वैसे प्रतिभाशाली